हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू राजेश्री चौहान क्लासेस। प्रैक्टिस सेट 12.1 का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। और बच्चों, बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग अब पूरी 20K की फैमिली हो गए हैं, 20,000 कंप्लीट हो गए हैं। और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड करते रहूँगी। फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करो। अब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, और आप अगर नए हो चैनल पे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए हेल्प मिलेगा। ग्रामर और अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी वीडियोस में आप लोगों के लिए शेयर करते रहूँगी। एग्ज़ाम्स के पेपर भी मुझे शेयर करने हैं आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलो हम फटाफट अभी स्टार्ट कर देते हैं सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, 17p-2 = 49। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें जो वैल्यू है पी का ये फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये है प्रैक्टिस सेट 12.1 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट हम करेंगे, दैट इज 17p-2 = 49। तो बहुत सिंपल है। तो पहले जो वेरिएबल के साथ में है इसे हम एज इट इज़ रखेंगे, मतलब 17p ऐसे ही रहेगा इक्वल। और राइट हैंड साइड में 49 है उसको हम सेम रखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड का -2 है उसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। तो ये जब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये -2 का +2 बन जाएगा, ओके। तो 17p = 49 + 2 = 51। अभी क्या करना होगा, ये p जो है वेरिएबल यहाँ पर रखो, तो 17 को हम शिफ्ट करेंगे। तो 17p है, मतलब क्या है इसका वैल्यू, 17 × p ऐसे होता है। तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट्स क्या करेंगे, हम डिवीजन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन में। तो 17 51 / 17 हो गया। तभी 17 3 = 51 17 1 = 17 17 3 = 51, सो p = 3। तो ऐसे हमें ये p का वैल्यू मिल गया है। तो व्हाट इज़ द इक्वेशन, तो इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 3। अगर आप लोगों को स्कूल्स में लिखाते हैं तो आप लोग यहाँ नीचे लिखोगे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज 3। सेकेंड सम कंटिन्यू करेंगे, 2m + 7 = 9। सो 2m विल रिमेन हियर इक्वल टू 9, प्लस 7 का शिफ्ट कर दो यहाँ पे -7, सो 2m = 2। 7 is 2, सो m = 2/2। सो 2 ones are 2, सो m = 1। सो नाउ वी विल कंटिन्यू थर्ड सम, दैट इज 3x। थर्ड सम है 3x + 12 = 2x - 4। तो अभी इस सम में वेरिएबल 2 times दिया हुआ है, बोथ साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है उसको एक ही साइड में शिफ्ट करेंगे। तो इसे कैसे करना होगा, अभी देखो यहाँ पे 3x है तो 3x को एज इट इज़ लिख दो। अभी इक्वल मतलब राइट, ये देखो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड का हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए 2x ये जो है ये पॉजिटिव है, तो इसको यहाँ पर हम -2x लिखेंगे। इक्वल -4 है राइट हैंड साइड का, वहीं पर लिखेंगे इसके लिए, उसे -4 ही लिखना है। और जो है ये +12 है, इसे हम शिफ्ट कर रहे हैं तो ये ऑपोजिट साइन आ जाएगा। मतलब आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि इक्वल के ऑपोजिट साइड्स में जब शिफ्ट होते हैं तो उसके साइंस चेंज होते हैं, और माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। सो नाउ हियर दिस इज प्लस, प्लस माइनस माइनस, सो x3 - 2 = 1। तो 1 तो हम जो होता है इमेजिनरी होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट x लिखेंगे, मतलब इसके आगे इमेजिनरी 1 है। इक्वल माइनस माइनस प्लस, सो 4 + 12 = 16,
तो 16 लिख दो। अभी यहाँ पर आपको एक नोट करना है कि जो नंबर्स है उसके साथ में कौन सा साइन दिया है। तो यहाँ पर 4 के साथ नेगेटिव है और 12 के साथ में भी नेगेटिव है, ठीक है। बट 12 जो है ये बिगर नंबर है, इसीलिए बिग नंबर के साथ में साइन कौन सा है, नेगेटिव साइन है, तो आंसर भी हमारा होगा नेगेटिव। बहुत ही सिंपल है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया है, नेगेटिव 16। थर्ड सम हो गया। नाउ वी विल कंटिन्यू फोर्थ सम, दैट इज इन ब्रैकेट दिया है 5 इन ब्रैकेट एक्स माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करना है, सो ये देखो यहाँ पर इमेजिनरी 1 है, फिर से देखो। सो ये 5 1 5 एक्स, यही प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है इसलिए मैंने नीचे माइनस नहीं लिया है, तो मैंने यहाँ पे चेकआउट किया, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, एंड 5 3 15 इक्वल टू 3 1 3 एक्स प्लस 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 और 3 2 6, इतना हो गया। इसके बाद सेम देखो, ऊपर जैसे सम था ऐसे ही हमें नीचे मिल गया है, तो इजीली वी कैन कंटिन्यू दिस। सो 5x माइनस 3x इक्वल टू 6, प्लस लिखो नहीं लिखो चलेगा, बिकॉज प्लस ऑलरेडी अगर सिंगल नंबर है तो प्लस रहता है, और ये नेगेटिव 15 का हो गया पॉजिटिव 15। सो यह प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 3 इज 2x, बिगर नंबर साइन इज पॉजिटिव इक्वल टू 6 प्लस 15 कितना हो गया 15 20 21। सो एक्स इज इक्वल टू 21/2। तो अभी देखो यहाँ पर डिवीजन हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज 2 के टेबल में 21 नहीं है, इसीलिए एक्स का वैल्यू क्या आ गया है 21/2। नेक्स्ट फिफ्थ सम, 9x/8 प्लस 1 इक्वल टू 10। ओके, अब यहाँ पर कैसे दिया है 9x/8, सो इमेजिनरी यहाँ पर 1 है तो इसके लिए 1/1। तो अभी हमें क्या करना होगा, ये अगर आप देखोगे 8 1 8 हो गया और ये 9x है, तो 9x+1/8, बिकॉज 1 8 8 और 8 1 8, इसके लिए 8 ले लिया है इक्वल टू 10। तो अब नेक्स्ट क्या करना होगा, ये प्लस है, सो 9x/8 इक्वल टू 10-1। सो 9x/8 इक्वल टू 10-8 इज क्या आ जाएगा 9। तो अब यहाँ पर x/8 इक्वल टू 9-9, ये जो 9x है यहाँ पर सॉरी माइनस ने डिवीजन में आएगा 9। सो 9 1 9 9 1 9, इसके बाद क्या करना होगा हमें, जो डिनोमिनेटर में है इसको x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ गया वैल्यू बिकॉज दोनों 1 1 है, तो 1 1 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये 1 ही रहेगा। और यहाँ आप देखोगे डिनोमिनेटर में मतलब डिवीजन में 8 है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 8 करो तो x इज इक्वल टू 8, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है, किसी किसी स्कूल में ना इसका बहुत ही अलग मेथड दिया जाता है, लाइक यहाँ से 9 को कट किया, 9 कट कर दिया डायरेक्टली, फिर x अपॉन 8 बचता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि x अपॉन 8 है तो x का वैल्यू 8 कैसे आया। एक्चुअली ये ऐसे करना होता है आप लोगों को, पहले यहाँ पे डिवाइड कर लिया 9 को लेकर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया, फिर डिवीजन होने के बाद 1 लेफ्ट जो होता है, फिर 1 को डिवीजन का 8 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ले लो, और x इज इक्वल टू 1 8 8, तो x का वैल्यू है 8, ठीक है। बहुत ही सरल मेथड से मैंने आप लोगों को दिखाया है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सिक्स सम, दैट इज y/7 + y-4/3 इक्वल टू 2। पहले हम सम लिख लेते हैं, 7 + y-4/3 इक्वल टू 2। अभी इसे देखो यहाँ पर 7 डिनोमिनेटर दिया है और इसमें 3 है, तो हम इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले करेंगे, तो किसे करना है, इसको इससे डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना है और 7 को इससे मल्टीप्लाई करना है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय y इज 3y प्लस
7 in bracket y minus 4 upon 7 threes are 21 equal to 2. इतना हो गया स्टेप. इसके बाद क्या करना है देखो, 3y plus 7 ones are 7 y, 7y है ना ये, इसके लिए 7y लेना है, प्लस माइनस माइनस और 7 फोर ज़ा 28 इक्वल टू 2 अपॉन 21. अभी मैं एक स्टेप बढ़ा रही हूँ, नहीं तो डायरेक्ट हम इसको यहाँ पर शिफ्ट करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बट एक स्टेप में एक्स्ट्रा ले रही हूँ. सो 3y प्लस 7y माइनस 28 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 21. ये डिनोमिनेटर में था डिवीजन, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया है. सो 3y प्लस 7y माइनस 28 इक्वल टू 21 टू ज़ा 42. अभी नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को, ये देखो ये दोनों का एडिशन करना है बिकॉज इक्वल है. सो प्लस प्लस प्लस, सो 10y माइनस 28 इक्वल टू 42. अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जब हम ये 10y को एज इट इज़ रखेंगे और 42 ये माइनस 28 प्लस 28 हो जाएगा यहाँ पर. तो 10y इज इक्वल टू 2 प्लस 8 इज 10, 1 कैरी किया, 4, 5, 6 एंड 1, 7, तो कितना आया है 70. सो y इज इक्वल टू 70 अपॉन 10. सो 0, 0 कट करो या 10 वन ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70 करो. सो y इज इक्वल टू 7, तो वैल्यू ऑफ y क्या आया है, दैट इज 7. ठीक है, देखो पूरा एकदम प्रॉपर स्टेप वाइज हमने किया हुआ है, तो एक भी स्टेप मैंने ड्रॉप नहीं किया है इसमें, पूरा नीट और क्लीन आप लोगों को समझ में आना चाहिए स्टेप वाइज कैसे सम्स किए जाते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ द वैल्यू, इक्वेशन क्या है, दैट इज़ y इज इक्वल टू 7. अभी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे सेवेंथ सम. 13x माइनस 5 इक्वल टू 3 अपॉन 2. सो हियर फर्स्ट 13x को यहाँ पर लिखेंगे हम एज इट इज़ और 3 अपॉन 2 प्लस माइनस 5 का हो जाएगा प्लस 5. तो प्लस 5 मतलब इसके नीचे इमेजिनरी 1 है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इक्वल डिनोमिनेटर. तो सेम जैसे प्रीवियस सम में किया था ऐसे ही करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 2 वन ज़ा 2. तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 वन ज़ा 3 प्लस 5 टू ज़ा 10 अपॉन 2, तो 13 अपॉन 2 इसका आंसर आ गया है. तो ये डायरेक्ट हम यहाँ लिखेंगे. सो 13x इज इक्वल टू 13 अपॉन 2. अभी ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ होने के बाद क्या होता है, डिवीजन आता है, तो डिवाइडेड बाय हम इसे करेंगे 2. सो देयरफॉर या हम डायरेक्टली ये जो 13 है इसको दोनों साइड से कट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 2. ठीक है, बहुत सिंपल सम था, सिर्फ ये जो आप लोगों को मैंने रफ वर्क दिखाया है ये प्रॉपरली करना होगा. अभी कंटिन्यू करेंगे एट सम. 3 इन ब्रैकेट y प्लस 8 इक्वल टू 10 इन ब्रैकेट y प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज करके प्लस 8 लेना है. तो पहले तो हम इसे ओपन करेंगे, 3 वन ज़ा 3y प्लस 8 थ्री ज़ा या 3 एट ज़ा 24 इक्वल टू 10y प्लस प्लस माइनस माइनस 10 फोर ज़ा 40 और ये प्लस 8. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इक्वल जो है वेरिएबल उसको साथ में लिखेंगे, 3y माइनस 10y इक्वल टू नेगेटिव 40 प्लस 8. नेगेटिव 40 प्लस 8 हो गया है. अब ये जो 24 है इसे हम करेंगे शिफ्ट. सो ये प्लस माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 24 आ गया. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, प्लस माइनस माइनस है, तो 10 माइनस 3 इज 7 वाई और बिगर नंबर साइन क्या है, नेगेटिव है, इसके लिए यहाँ पर आएगा नेगेटिव इक्वल. अभी आगे हमें इसका क्या करना है, ये 40 नेगेटिव 40 प्लस 8 प्लस नेगेटिव 24.
सो वी कैन सी हियर नेगेटिव नेगेटिव है तो माइनस माइनस हो गया प्लस. सो 40 प्लस 24 इज 40, 50, 60, 64. 64 माइनस 64 आएगा बिकॉज नेगेटिव है, इसके लिए माइनस 64 और प्लस 8, तो माइनस 64. तो यहाँ पर क्या होना है, माइनस प्लस माइनस. सो 64 माइनस 8 करोगे तो वी विल गेट हियर 56. तो 56 है और नेगेटिव साइन बिगर नंबर का लिखना है इक्वल टू नेगेटिव 7y. ठीक है, इसके बाद देखो y इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो y है इसे हम यहीं पर रखेंगे और नेगेटिव 56 अपॉन 7, तो ये नेगेटिव 7. तो 7 वन जा 7, 7 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 ले लिया है और दोनों नंबर यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव है इसीलिए आंसर हो जाएगा पॉजिटिव. ठीक है, तो आंसर है y इज इक्वल टू 8. देखो पूरे नीट और क्लीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्टेप वाइज. नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप मेरे साथ में सॉल्व करो और बाद में आप उसको स्टडी करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करते रहो तो इजीली आप लोगों को ये सम आ जाएंगे. चलो अब नाइन सम देखते हैं. नाइन सम नाइन एक्स नाइन सम है x माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 5 अपॉन 7. तो ये सम देखने के बाद आप लोगों का आइडिया आ गया होगा जिसे प्रीवियस सम्स में मैंने दिखाया था. क्रॉस हम इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ऐसे ही करना है, बहुत ही सिंपल सम है. x माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 5 अपॉन 7. चलो हम इसको क्विकली स्टार्ट करेंगे. 7 ये 7 आ गया यहाँ पर, x माइनस 9 इक्वल टू अभी क्या करना है 5 लेना है और ये लेना है ऊपर x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज. 7 वन जा 7x प्लस माइनस माइनस 7 9 जा 63 इज इक्वल टू 5 वन जा 5x माइनस 5 5 जा 25. ओके, बहुत ही सिंपल हमने स्टार्ट कर दिया है. उसके बाद अभी देखो इक्वल वेरिएबल्स को, वेरिएबल है x है इसके लिए साथ में लेंगे तो 7x माइनस 5x इक्वल टू नेगेटिव 25 और ये हो जाएगा यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद प्लस 63 प्लस 63. नाउ प्लस माइनस माइनस तो 7 माइनस 5 इज 2x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस तो 63 माइनस 25 इज 38. 38. सो x इज इक्वल टू 2 को कट करना है 38 अपॉन 2. सो डिवाइड करो अभी 2 वन जा 2 2 वन जा 2 1 लेफ्ट 2 9 जा 18. सो x इज इक्वल टू 19. तो वैल्यू ऑफ x कितना आया है 19. बहुत ही सिंपल सम था. नाउ वी विल कंटिन्यू 10th सम. y माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन सॉरी 1 मैंने पहले लिख दिया इक्वल टू 4. तो इसके नीचे इमेजिनरी 1 है ये मैंने आप लोगों को पहले लिख कर दे दिया. तो नाउ वी विल स्टार्ट दिस. सो हियर अगेन वी हैव टू मेक इक्वल फ्रैक्शन. यहाँ पर जो 3 वन जा 3 1 3 जा 3 आ जाएगा और ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. तो ये 1 को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं. 1 वाई जा वाई माइनस 1 4 जा 4 अपॉन यहाँ पर 3 1 जा 3 डायरेक्ट ले लेंगे प्लस 3 3 जा 9 वाई. ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया मैंने क्रॉस में कैसे मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्ट आंसर लिख दिया है इक्वल टू 4. अभी नेक्स्ट क्या करना है, y माइनस 4 प्लस 9 वाई इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3. सो 9y को और इसको भी हम डायरेक्ट आंसर लेते हैं, ये प्लस 1 है यहाँ पर. सो 1 प्लस 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 एंड 1 प्लस 9 इज 10y. बिगर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव माइनस 4 इक्वल टू 4 3 जा 12. अभी नेक्स्ट 10y इक्वल टू 12 प्लस 4 माइनस 4 का प्लस 4 हो गया है. सो 10 इज इक्वल टू 10y इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इज 16.
उसके बाद क्या करना है, y इक्वल टू 16 अपॉन 10 ले लिया। अभी आप देखोगे 10 के टेबल में डायरेक्टली 16 नहीं है, इसके लिए चेक करना है दोनों नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल होते हैं। यस 2 से होते हैं, इसके लिए 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। तो y का वैल्यू क्या आ गया है, 8 अपॉन 5। अभी हमारा ये प्रैक्टिस सेट का 12.1 का लास्ट सम है, दैट इज 11 सम। सो 11 सम ये भी बहुत सिंपल है, देखने में सिर्फ बड़ा दिया हुआ है, आप देखोगे तो थोड़ा ऐसा लेंथी लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। इन ब्रैकेट बी प्लस 1 प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल टू 21। थोड़ा बाहर से बच्चों आवाज़ आ रहा है लेकिन आप उसे इग्नोर करो और यहाँ पर हम ध्यान देंगे सम के ऊपर। तो अभी यहाँ पर देखो, जब भी ना ब्रैकेट के आगे कोई भी साइन होता है तो ये वेरिएबल का मतलब कोई नंबर्स है उसका इसके साथ बॉक्स के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, और जब डायरेक्ट देते हैं तभी उसका वहाँ पर उसके साथ रिलेशन होता है। जैसे कि 3y दिया है डायरेक्टली, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय y हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन मिडल में दिया हुआ है तो ये 1 और 1 का यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो पहले हम एक्सपांड ये जो लिखा हुआ है इसे डायरेक्टली हम लिख लेंगे कैसे, तो बी प्लस 1 प्लस बी प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल टू 21, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन हमें करना ही नहीं है बिकॉज डायरेक्ट दिया हुआ है। तो अभी देखो b कितने टाइम्स है, तो ये मैं आप लोगों को एक स्टेप एक्स्ट्रा करके दिखा रही हूँ, ये स्टेप आप ड्रॉप करके डायरेक्ट लिखोगे नेक्स्ट फिर भी चलेगा। सो b प्लस b तीनों को साथ में ले लो, प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल टू 21। अभी b के आगे इमेजिनरी 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 3b, तो ये स्टेप आप डायरेक्ट ले सकते हो, प्लस 1 प्लस 2 3 अपॉन 4 इक्वल टू 21। ठीक है, इतना हम अच्छा, तो हमें पहले यहाँ पे नेगेटिव अपॉन में जो 4 दिया है इसे हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो ये स्टेप नहीं करेंगे। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, 3b प्लस 3 इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो 3b प्लस 3 इक्वल टू 4 1 4 4 2 8, सो 84 आ गया है। नाउ 3b इज इक्वल टू 84 माइनस 3, प्लस 3 का हो गया माइनस, सो हियर 3b इज इक्वल टू 84 माइनस 3 इज 81। अभी नेक्स्ट स्टेप में पीछे कर देती हूँ, सो 3b इक्वल टू 81 पीछे एज इट इज पहले लिख लेंगे, वही स्टेप में यहाँ पर लिख रही हूँ 3b इक्वल टू 81। अभी क्या करना है, सो बी इज इक्वल टू 81 अपॉन 3, सो 3 1 3 3 2 6 7 8 2 लेफ्ट, यहाँ पर 2 आ गया मतलब 21, और 3 9 21 है तो 3 8 22 और 3 7 21, सो देयरफॉर 27 ये आंसर है, बी इज इक्वल टू 27। ऐसे आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो 81 अपॉन 3 करो, 3 1 3 3 2 6 8 माइनस 6 इज 2 1 आ गया नीचे, 3 7 21 0 0, तो 0 जब नीचे आ गया है तो ऊपर का जो आंसर आ गया दैट इज़ द होल नंबर इज योर आंसर, सो बी इज इक्वल टू 27। तो ऑल 11 सम्स वी हैव कम्प्लीटेड चिल्ड्रन, तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सम्स, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लो। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 12.2, उसके पहले हम एग्जांपल ये दिया हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल गिवन हियर, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे और आगे के प्रैक्टिस सेट में जो सम्स दिए हैं वो भी डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चैनल को देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, थैंक यू, बाय।